हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशोक कुमार इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। तो हमारे पास एलजी का टेलीविज़न आ गया बनने के लिए। ये 14 इंच में है, ये गोल शीशा हो जाता है तो हमारा 14 इंच में होता है, और ये फ्लैट रहता है तो 16 इंच में हो जाता है। तो ये इसका मॉडल नंबर है। अब इसको बिजली में देते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट है। कस्टमर कहना है ये बिल्कुल ही लाइट नहीं आ रहा है, तो फिर भी हम एक बार चेक करके देखते हैं। कई बार क्या होता है, घर से ले आता है बंद और यहाँ पे लगाते हैं तो कई बार ऑन हो जाता है। तो इस तरह का फॉल्ट जब भी आता है आप सीरीज बोर्ड में चेक करें। तो मैं सीरीज बोर्ड में लगा दिया और यहाँ से लाइट दे दिया, तो देख सकते हो कि ना हमारा सीरीज बत्ती जला, ना यहाँ का कोई इंडिकेशन आया। तो मैं इसको खोलूँगा और चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस तरह का अगर आपके पास टीवी रिपेयरिंग के लिए आता है तो आप उसको कैसे चेक प्लस बना सकते हो। तो फाइनली मैं बोर्ड में से लाइट निकाल दिया, अब इसको रख दिया। इसको खोलने के लिए हमारा ये 4 नट लगा रहता है, जो खोलने के बाद ये बैक बाहर हो जाएगा। तब खोलेंगे अब इसको। नट को खोल लिए, यहाँ पर भी हमारा एक नट होता है, ध्यान रखें ज़्यादा खिंचताई ना करें, यानी ऑडियो वीडियो का सॉकेट टूटने का डर रहता है, ये ध्यान रखें। तो इसको भी फाइनली खोल लेंगे नट को। दोस्तों गाइस, कितना मिट्टी लगा हुआ है। ये एक ओरिजिनल एचटी एलजी का टीवी है और एचटी भी ओरिजिनल ही है, डला हुआ है अभी। तब इसको नाप दे के पहले देखते हैं कि इसमें लाइट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसमें दोबारा लाइट देते हैं, तो लाइट दे दिए। और यहाँ पे हमारा बटन है, ध्यान रखें लाइट से सावधानी बरते अगर घर पर ये सब काम कर रहे तो। देख सको कि हमारा अभी भी इंडिकेशन लाइट नहीं आ रहा, ना इसमें टिक टिक का आवाज़ आ रहा है। तो इस फॉल्ट में सबसे पहले हम फ्यूज पे सप्लाई नापेंगे, यहाँ पर भी सप्लाई नापेंगे। हमारा 220 या 30 वोल्ट जो भी एसी लाइट आता है वो आता है कि नहीं। तो देखते हो कि हमने जहाँ एसी का तार डाला हुआ है, हमने दोनों मीटर का तार जो है डाल दिया हूँ। और यहाँ पर भी हमारा देख सकते हो कि 220 वोल्ट आ रहा है। तो फाइनली हमारा जो केबल होता है डोरी, जो मेन बिजली में लगने वाला है, ये डोरी ठीक है। तो एक तार इसमें से निकाल देंगे और फ्यूज पर चेक करेंगे। देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर भी लाइट आ रहा है, यानी कि एक साइड से फ्यूज पे करंट नहीं आ रहा है। देख सकते हो कि यहाँ हमारा करंट आ रहा है। गाइज, मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी दिक्कत होता है, तो ध्यान देना कि एक साइड जो हमारा है करंट आ रहा है और दूसरी साइड नहीं आ रहा है। तो फाइनली जो है पहले हम फ्यूज को चेक करेंगे, बदल लेंगे, क्योंकि ये भी ख़राब हो सकता है इस फॉल्ट में। तो फाइनली हम फ्यूज नया डालेंगे, पहले हम करंट को हटा लेंगे। तो फ्यूज को निकाल लिए, देख सकते हो, और फ्यूज इसमें नया डालेंगे। ये हमारे पास फ्यूज का डब्बा आ गया, देख सकते हो, फ्यूज को निकाल लिया, अब इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे कि आप केबल बिजली से निकाल दें, अन्यथा करंट मारने का डर रहेगा। तो डाल दिया, अभी डालने के बाद गाइस हम सीरीज में चेक करेंगे। देख सकते हो हमारा लाइट जो ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब 5-10 मिनट इंतज़ार करेंगे, नहीं तो हम डिकोजिंग का तार जो लगता है वो निकाल देंगे। निकालते टाइम ध्यान रखना है तार ये काट देंगे कनेक्शन, फिर हम डिकोजिंग के तार को निकाल देंगे। देख सकते हो कि हमने डिकोजिंग का तार को निकाल दिया, और फिर यहाँ से लाइट देंगे। देख सकते हो कि हमारा लाइट नहीं जला, देख सकते हो कि हमारा जो है लाइट अप एंड डाउन कर रहा है, यानी कि इसमें जो फॉल्ट है ये फ्यूज का ही है ओनली। तो फाइनली हम फेस में डालेंगे, फेस में डाल दिया। अब देखते हैं कि हमारा टीवी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख सकते हो गाइस कि हमारा जो है टीवी ऑन हो चुका है। तो आप इस हिसाब से, इस तरह का फॉल्ट आता है टीवी में तो आप स्टेप बाय स्टेप, आपको समझा दिया, इसी हिसाब से चेक करना होता है। अब इसी काम के लिए 150, 200, 300 लग जाता है। अगर घर पे इस तरह का काम करते हो तो हमारा वीडियो जो है बिल्कुल लास्ट से एंड तक देखें। तो वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें गाइस। इस तरह का फॉल्ट आता है तो अब इस हिसाब से रिपेयरिंग कर सकते हो गाइस।
धन्यवाद। तो गाइज ये जो है LG का ओरिजिनल CRT टेलीविज़न होता है, देख सकते हो। अब इसको साफ़ सफाई कर देंगे, अब बिल्कुल ओके हो जाएगा गाइज। अब इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, साफ़ सफाई अवश्य करें क्योंकि डस्ट की वजह से अब सर्दी आने वाला है, ESD ख़राब होने का डर रहता है, ये ध्यान रखें। तो गाइज जो हमारा TV है बिल्कुल ओके हो चुका है गाइज।